हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। आज इस लेसन में हम कंप्लीट करने वाले हैं नथानियल हॉथॉर्न्स बायोग्राफी से रिलेटेड 45 to 47 पॉइंट्स। फ्रेंड, नथानियल हॉथॉर्न जो कि अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, 19th and 20th century के जो राइटर अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर के हमारे सिलेबस में हैं, 19th and 20th century अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर, उसके तहत ये हमारे हैं राइटर नथानियल हॉथॉर्न, अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे आज, सारे बायोग्राफी से रिलेटेड इनके पॉइंट्स, इनका वर्क्स, इनके अवार्ड्स, अचीवमेंट्स सारे हम देखने वाले हैं आज इस क्लासन में। बर्थ इनका है 4th of July 1804 सेलम मैसाचुसेट्स से US में इनका जन्म हुआ है, सेलम है फ्रेंड्स। और ये जो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिकन जैसे नॉवलिस्ट हैं। ये टिमाइस की यदि बात करें 19th May 1864 में इनकी मृत्यु हुई है, प्लायमाउथ प्लेस में, न्यू हैम्पशायर US। तो ये इनका जन्म है सेलम मैसाचुसेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट, एंड डिमाइस इनकी 19th May 1864 प्लाइमाउथ न्यू हैम्पशायर में। फादर जो है इनके नथानियल हॉथॉर्न, सेम नेम है देखिए इनके फादर का इनका, ठीक है, जो सी कैप्टन थे। मदर है इनकी एलिजाबेथ क्लार्क मैनिंग, जो बाद में एलिजाबेथ क्लार्क हॉथॉर्न हो जाती हैं। हिज फादर डेड इन 1808 में उनके फादर की मृत्यु हो जाती है टू येल्लो फीवर, एंड हिज मदर मूव्ड इन विद हर अफ्रेंड्स ब्रदर द मैनिंग। और 1808 में जब इनकी ये 4 वर्ष के थे, इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, इनके माता जो थी अपने समृद्ध भाइयों के पास आ जाती हैं जो कि ठीक ठाक थे पैसों में, और कहाँ आ जाती हैं, मेनिंग जो एक प्लेस है वहाँ आ जाती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनके बायोग्राफी से रिलेटेड नथानियल हॉथॉर्न की, कि नथानियल हॉथॉर्न एडिड W टू मेक हिज नेम हॉथॉर्न। देखिए यहाँ इनके फादर का मैंने नेम जो लिखा है नथानियल हॉथॉर्न, इनके जो हॉथॉर्न की स्पेलिंग है उसमें W मिसिंग है, ठीक है, और यहाँ इनके नाम में यहाँ पे हॉथॉर्न में W है। इन ऑर्डर टू हाइड हिज रिलेशन फ्रॉम हिज एंसेस्टर, अपने एंसेस्टर से, अपने पूर्वजों से अपना रिलेशन छुपाने के लिए इन्होंने अपने नाम में, अपने सरने में W ऐड करा था, ठीक है फ्रेंड्स। और वो ऐसा क्या हुआ था, उन्होंने, उनके एंसेस्टर ने ऐसा क्या किया था जो ये रिलेशन छुपाना चाहते थे कि हाँ भाई वो मेरे पूर्वज हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं ऐसा। तो ये देख लीजिए, आप याद रखिएगा इनके फादर के नेम में ये W नहीं है यहाँ, और यहाँ है इनके नेम में नथानियल हॉथॉर्न। तो वो हम देख लेते हैं क्यों इन्होंने ऐसा किया। हिज एंसेस्टर इंक्लूड जॉन हॉथॉर्न, इनके एंसेस्टर थे ये जॉन हॉथॉर्न, और कब की बात है ये देख लीजिए, 1692 की बात है, 1692 की, इनका जन्म हुआ है 1804 में। तो और ये इनके थे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर थे, ठीक है। हिज द ओनली जज इन्वॉल्व इन द सेलम विच ट्रायल, यहाँ एक विच ट्रायल करके बहुत ही फेमस मुकदमा चला था वहाँ सेलम में, और उसमें वो जज थे जॉन हॉथॉर्न, हु नेवर रिपेंटेड ऑफ हिज एक्शन, और उन्होंने जो किया उस पर उन्होंने कभी रिपेंट भी, कभी पछतावा भी नहीं करा आगे चल के फ्यूचर में कि हाँ भाई मैंने गलत किया। उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, ग्रेट ग्रेट, तो क्या किया था, पीपल अक्यूज्ड ऑफ विच क्राफ्ट इन कॉलोनियल मैसाचुसेट्स बिटवीन फरवरी 1693 फरवरी 1692 से लेकर मई 1693 के बीच कुछ पीपल्स थे, उनको एक्यूज़ किया गया था, उनको पकड़ लिया गया था, और उन पर क्या केस लगाया गया था, अपराध था उनका विच क्राफ्ट। उस समय जो था वो जो विच क्राफ्ट यानी जादू टोना बहुत ज़्यादा चलता था, और इस चीज़ पे जो है जब रोक लगाई, और इसमें चलते हुए कुछ 200 लोगों को जो है पकड़ा गया, एक्यूज़ किया गया, और जिसमें से 19 लोगों को फांसी दे दी गई थी, 19 लोग जो है गिल्टी पाए गए, एग्जीक्यूटेड बाय हैंगिंग, उनको फांसी दे दी गई। और 19 लोगों में से, उन 19 लोगों में से फ्रेंड्स 14 विमन थी एंड 5 मैन थे, 14 औरतें थी और 5 आदमी थे। इस तरह से ये बिल्कुल बेबुनियाद बात थी, वो मानते थे जो नथानियल हॉथॉर्न की ये गलत किया था, उनके जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे जॉन हॉथॉर्न ने, जो कि जज थे उस केस के, विच ट्रायल जो केस था उसके जज थे वो, विच क्राफ्ट के अपराध में उनको 200 लोगों को पकड़ा गया था, जिसमें से 19 लोगों को जो है गिल्टी पाया गया, अपराधी पाया गया था, और 19 के 19 लोगों को फांसी दे दी गई थी, और उन 19 लोगों में से 14 विमेंस थी एंड 5 मैन थे, 14 महिलाएं थीं। तो ये जो बात थी इससे वो बहुत दुखी थे कि ये फांसी दे दी गई, और सिर्फ विच क्राफ्ट की बात को लेकर, और महिलाओं को जो है फांसी दे दी गई, इसलिए इन्होंने अपने नाम से, अपने नाम में ये W ऐड कर लिया था। इधर हॉथॉर्न नहीं है, W नहीं है, यहाँ W है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये इनके नाम के पीछे ये थोड़ी सी बात है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 1821 ही अटेंडेड बोडोन कॉलेज इन मेनिंग, वही मेनिंग प्लेस है जहाँ इनकी माँ इनको लेकर आ गई थी, वेयर ही मेट एंड बी फ्रेंडेड हेनरी
वेट्सवर्थ लॉन्ग फेलो, ये जो एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो बहुत ही फेमस आगे चल के राइटर हुए, एंड फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका फ्रैंकलिन पियर्स, ये जो फ्रैंकलिन पियर्स हैं अमेरिका के फ्यूचर प्रेसिडेंट रहे बाद में, ये इनके उस कॉलेज में फ्रेंड बन गए ये दोनों। और ये क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे फ्रेंड्स कि इनके कौन से ऐसे हैं जिनके अमेरिका के प्रेसिडेंट उनके फ्रेंड थे, ऐसे कौन से नॉवलिस्ट अमेरिका के, तो हमें याद रखना नथैनियल हॉथोर्न 1824 में ये इलेक्टेड हुए। फाई बेटा कप्पा ये एक तरह की सोसाइटी थी, कम्युनिटी थी जहाँ ये इलेक्टेड हुए थे। 1825 ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट हो गया था, और आफ्टर इस ग्रेजुएशन हॉथोर्न लिव्ड इन सेलम फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स, ठीक है 12 ईयर्स रहे ये कहाँ पर, सेलम में। लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग, और राइटिंग का जो है इन्होंने कला सीखी कैसे क्या है, तो ये देखिए उसके बाद 1828 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वर्क द नॉवेल फैनशॉ, ये इनका फर्स्ट नॉवेल है, इन हिज ओन एक्सपेंस पे इन्होंने ये पब्लिश कराया, बिल्कुल भी फेमस नहीं हुआ, कुछ भी इससे इनको नहीं हासिल हुआ, ना पैसा ना नेम ना फेम कुछ नहीं। तो और ऐसा भी आता था आया है कहने में और पढ़ने में ऐसा आया है कि ये जो नथैनियल हॉथोर्न है अपने इस वर्क की कॉपीज को जलाना और नष्ट करना चाहते थे, बिल्कुल इससे इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद देखिए बीच में उन्होंने 1836 के समय एक अमेरिकन मैगजीन में एडिटर के रूप में भी काम किया, 1837 में आ गए, फिर ये यहाँ थोड़ा इनका राइटर के रूप में इन्होंने थोड़ा सा काम अच्छे से शुरू किया। ट्वाइस टोल्ड टेल्स ये इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, पब्लिश हुआ था पीरियोडिकल में, ठीक है ये हमें याद रखना है, शॉर्ट स्टोरी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन ट्वाइस टोल्ड टेल्स। 1838 में हम आ जाते हैं, नथैनियल हॉथोर्न इंगेज टू सोफिया पीबडी, सोफिया पीबडी से इनकी इंगेजमेंट हो गई, अभी शादी नहीं हुई, ठीक है 38 की बात है 1838 की। एंड 1842 में नथैनियल हॉथोर्न वर्कड एट अ बोस्टन कस्टम हाउस, ये क्वेश्चन बनता है बोस्टन कस्टम हाउस, दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर इन्होंने काम किया था, तो फर्स्ट तो ये हो गई वर्कड एट द बोस्टन कस्टम हाउस एज अ मेजरर, एज अ मेजरर इन्होंने काम किया था कहाँ पर, इधर बोस्टन कस्टम हाउस में, और शादी के पहले किया था ये 1842 में। इन ज्वाइंट ब्रूक फॉर्म आर ट्रांसेंडेंटलिस्ट कम्युनिटी, ये जो ब्रूक फॉर्म है ये एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट कम्युनिटी है जो इन्होंने ज्वाइन करी थी बिफोर मैरिंग पीबडी, ठीक है सोफिया पीबडी से शादी से पहले इन्होंने ये कम्युनिटी ज्वाइन करी थी और बोस्टन कस्टम हाउस में काम किया था 1842 में, और फिर 1842 9 जुलाई को इन्होंने सोफिया पीबडी से शादी की। द कपल मूव टू द ओल्ड मैंस इन कॉनकॉर्ड मैसाचुसेट, यहाँ पर ये चले गए कॉनकॉर्ड मैसाचुसेट में द ओल्ड मैंस में दोनों शादी के बाद, नथैनियल एंड सोफिया, एंड वेयर दे लिव्ड फॉर 3 ईयर्स, 3 साल रहे वहाँ पर, और वहाँ इनके देखिए रैल्फ डब्ल्यू इमर्जन उनके नेबर थे, ये भी बहुत फेमस राइटर है इमर्जन, वहाँ वो इनके नेबर रहे। 1842 से 1849 के बीच वर्कड एज अ सर्वेयर, ये सेकेंड वर्क है, मैंने बताया ना दो तरह दो जगह उन्होंने काम किया था, तो बोस्टन कस्टम हाउस में और दूसरा यहाँ पर, तो वर्कड एज सर्वेयर एट कस्टम हाउस इन सेलम, यहाँ सेलम कस्टम हाउस में उन्होंने काम किया था, बट ही लेफ्ट हिज जॉब ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीज़न, कुछ पॉलिटिकल रीज़न थे तो छोड़ दी थी ये जॉब इन्होंने अपनी 42 से 49 तक। 1850 में हम आ जाते हैं, पब्लिश हिज मास्टर पीस वर्क द स्कारलेट लेटर, ये है इनका इनके भाग्य का जो उदय हुआ है, पब्लिश्ड इज मास्टर पीस, उनका ये मास्टर पीस पब्लिश हुआ था नॉवेल इनका स्कारलेट लेटर, द स्कारलेट लेटर 1850 में पब्लिश हुआ था, यही है वो जिसके लिए हम नथैनियल हॉथोर्न को पढ़ रहे हैं और पढ़ते हैं, स्कारलेट लेटर की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, ये आगे भी इनके वर्क में भी पढ़ेंगे, फिर भी ईयर में हम पढ़ रहे हैं तो मैंने इसको बताना ज़रूरी समझा। एक और वर्क है इनका देखिए, द लाइफ ऑफ फ्रैंकलिन पियर्स, ये इन्होंने बायोग्राफी लिखी थी कब के समय, ड्यूरिंग द 1842 इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्शन अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के समय 1852 में इन्होंने नथैनियल हॉथोर्न ने ये लिखी थी कैंपेन बायोग्राफी अपने फ्रेंड फ्रैंकलिन पियर्स के लिए, ठीक है जो इनके कॉलेज में फ्रेंड बने थे, फॉर हिज कॉलेज फ्रेंड। और उसके बाद क्या हुआ देखिए, व्हेन फ्रैंकलिन पियर्स वॉज इलेक्टेड, और वो जीत गए फ्रैंकलिन पियर्स और क्या बन गए इलेक्टेड 14th प्रेसिडेंट ऑफ USA, अमेरिका के 14वें राष्ट्रपति बने थे वो फ्रैंकलिन पियर्स नथैनियल के फ्रेंड, ही अपॉइंटेड हॉथोर्न एन अमेरिकन कौंसल टू ब्रिटेन एज अ रिवॉर्ड, और उन्होंने अपने फ्रेंड नथैनियल हॉथोर्न को अमेरिकन कौंसल चुना था ब्रिटेन में एज अ रिवॉर्ड 1853 टू 1857, 4 साल का टेन्योर होता है वहाँ पे प्रेसिडेंट का, तो देख लीजिए 1853 से 1857 के बीच ये रहे स्टेड इन इंग्लैंड एज एन अमेरिकन कौंसल, अमेरिकन कौंसिल के बन के ये इंग्लैंड में रहे।
और उसके बाद 1857 में जब इनका ये जॉब ख़त्म हुआ ही वेंट इटली विथ हिज फैमिली, इटली में भी रहे। ये इम्पॉर्टेंट वर्क आ जाते हैं इनके, इम्पॉर्टेंट नोटेबल वर्क्स ऑफ नथानियल हॉथॉर्न नोवेल वर्क में इनके आ जाते हैं 1828 फैंशो। देखिए फ्रेंड्स, ये हम पढ़ लेते हैं 1828 वाली फैंशो, इनकी जो नोवेल है बिल्कुल भी ज़्यादा इसको सक्सेस नहीं मिली थी। पर एक क्वेश्चन जैसे बनता है ना, फर्स्ट नॉवेल इनकी कौन सी है, तो हमें स्कारलेट पे ही टिक करना है 1%। क्वेश्चन बनता है तो अगर 1850 में आया इनका स्कारलेट लेटर, देन आया इनका द हाउस ऑफ द सेवन गेबल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है द हाउस ऑफ द सेवन गेबल्स। ये दो वर्क हैं जो इनके लिए जो बेस्ट नोन पर्सन माने जाते हैं, ठीक है। 1851 में आया था, गेबल्स का मतलब होता है फ्रेंड्स जो मकान का कोना, चार कोनों का जो रूम होता है लाइक दिस, तो ये एक हाउस है, सेवन गेबल्स हैं, सात कोनों का मकान। नेक्स्ट हमारा जो इनका वर्क है, नोवेल है द ब्लाइथ डेल रोमांस, 1852 में आया, इनका थर्ड नोवेल है और ये जो है फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है पूरी तरह। उसके बाद है इनका द मार्बल फोन, ये एन है फ्रेंड्स इसमें, द मार्बल फोन और द रोमांसिस ऑफ माउंट बेनी, 1860 में आया, इनका लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल है। क्यों? क्योंकि जो बाद में जो नॉवेल्स लिखे हैं ये सब अनफिनिश्ड रहे इनके, तो ये क्वेश्चन बनेगा लास्ट नॉवेल, लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल कौन सा है, द मार्बल फोन और द रोमांस ऑफ माउंट बेनी, एक ही है ये इसका सब टाइटल है, 1860 में ये पब्लिश हुआ था। उसके बाद इनका है द डॉलीवर रोमांस, 1863 अनफिनिश्ड रहा ये, सेप्टेमियस फेल्टन और द एलेक्सियर ऑफ लाइफ, ये भी अनफिनिश्ड है, पब्लिश हुआ था अनफिनिश्ड भी 1872 में, इन अटलांटिक मंथली में पब्लिश हुआ ये। डॉक्टर ग्रिमशो एंड डॉक्टर ग्रिमशोज सीक्रेट अ रोमांस, ये भी अनफिनिश्ड है 1882 में सामने आया। तो ये सारे वर्क हैं इनके, फर्स्ट इनका नॉवल माना जाता है द स्कारलेट नॉवल, स्कारलेट लेटर, और जो इनका लास्ट कंप्लीटेड नॉवल है द मार्बल फोन। नॉन फिक्शन वर्क पे हम इनके आ जाते हैं, 20 डेज विद जूलियन एंड लिटिल बनी, रिटन इन 1851, पब्लिश इन 1904, पब्लिश बाद में हुआ है काफ़ी समय बाद। अवर ओल्ड होम 1863 में आया ये, पैसेज फ्रॉम द फ्रेंच एंड इटालियन नोटबुक्स 1871 में ये पब्लिश हुआ है। नॉन फिक्शन वर्क्स हो गए। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, देखिए शॉर्ट स्टोरीज जो इंपॉर्टेंट हैं वो हम अभी आगे देखेंगे, ये कलेक्शंस हैं। ट्वाइस टोल्ड टेल्स 1837, ग्रैंड फादर्स जर्नल 1840, मॉसेस फ्रॉम एन ओल्ड मैंस 1846, अ वंडर बुक फॉर गर्ल्स एंड बॉयज 1851, द स्नो इमेज एंड अदर ट्वाइस टोल्ड ट्वाइस, ये है हमारा 1852 में कलेक्शन आया है। एंड टेंगल वुड टेल्स 1853 में ये आए हैं शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, एंड ये भी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इनके, द डॉलीवर रोमांस एंड अदर पीसेस, द ग्रेट स्टोन फेस एंड अदर टेल्स ऑफ द वाइट माउंटेन 1889 में आया है ये फ्रेंड्स, 20 डेज विद जूलियन एंड लिटिल बनी, रिटन हुआ है 1851 में, पब्लिश हुआ है 1904 में। सिलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज जो हैं हम इनकी देख लेते हैं, कुछ ऐसी जो इन्हीं कलेक्शन में है, अलग से हैं, फेमस हैं जो सिलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। तो वो क्या हैं, ये सब नाम अलग से लिख दिया मैंने, इसका कैप्चर ही कर लिया है, रोजर मेलविंस ब्यूरियल, माई किन्समैन, मेजर मॉलिनिक्स, यंग गुडमैन ब्राउन, द ग्रे चैम्पियन, द वाइट ओल्ड मेड, वेकफील्ड, एम्बिशियस गेस्ट, द मिनिस्टर ब्लैक व्हील, द मैन ऑफ एडमेंट, द मे पोल ऑफ मैरी माउंट, द ग्रेट कार्बंकल, डॉक्टर हेडेगर एक्सपेरिमेंट, अ वर्चुअस कलेक्शन, द बर्थ मार्क, द कैलेसियल रेल रोड, इगोटिस्टम इगोटिज्म और द बॉसम सपेंट, रपासिनी डॉटर्स, पी एस करस्पॉन्डेंस, द आर्टिस्ट ऑफ द ब्यूटिफुल, एथेन ब्रांड, द ग्रेट स्टोन फेस एंड फैदर टॉप, ये सारे इनके सेलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज हैं। और कलेक्शन है तो बहुत होंगे इनके स्टोरीज, पर ये सिलेक्टेड हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, ही वॉज एन अमेरिकन नॉवल डार्क रोमांटिक एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवलिस्ट रहे, डार्क रोमांटिक उसमें लिखा शैली में इन्होंने, और शॉर्ट स्टोरीज तो हैं इनकी। हॉथॉर्न स्टडीड मैनी रिनाउंड राइटर्स, इन्होंने जब राइटिंग का करियर चुना तो इन्होंने खुद भी कई अच्छे फेमस राइटर्स को पढ़ा, शेक्सपियर्स का वर्क इन्होंने पढ़ा, सर वॉल्टर स्कॉट्स का हिस्टोरिकल रोमांस है वो पढ़ा इन्होंने, जैसे कि आइवन हो, जॉन बनियान्स पिलग्रिम प्रोसेस इन्होंने पढ़ा, स्पेंसर को भी इन्होंने उनके वर्क को पढ़ा, तो ये सारे इंपॉर्टेंट राइटर इन्होंने अपनी लाइफ में स्टडी किए। हिज नॉवल द ब्लाइथ पिल रोमांस वॉज रिटन इन फर्स्ट पर्सन, ये इनका तीसरा नॉवल है, 1852 में आया था, फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है पूरी तरह।
हिज फर्स्ट नॉवल द स्कारलेट लेटर, लास्ट नॉवल द मार्वल फॉन, वही आ गया ना बात, क्योंकि ये कंप्लीटेड लास्ट नॉवल है, इसके बाद जो दो तीन आए थे वो अनफिनिश्ड रह गए थे, तो लास्ट नॉवल क्वेश्चन बने द मार्वल फॉन हमें लगाना है, फर्स्ट स्कारलेट लेटर। एक वर्क और इनका यही वही है द लाइफ ऑफ फ्रैंकलिन पियर्स, ये इन्होंने कैंपेन बायोग्राफी लिखी थी अपने फ्रेंड के लिए इलेक्शन के टाइम पे 1853 के टाइम, ये इनके वर्क में ही हम गिनेंगे द लाइफ ऑफ फ्रैंकलिन पियर्स, इन्होंने किस अमेरिकी राष्ट्रपति की बायोग्राफी लिखी, तो ये है फ्रैंकलिन पियर्स। चीफली अबाउट वॉर मैटर्स, ये इनका ऐसे वर्क है, एक आर्टिकल्स है, क्या है चीफली अबाउट वॉर मैटर्स, इनका पब्लिश हुआ है 1862 में, ये वर्क है इनका नथानियल का, और अबाउट हिज एक्सपीरियंस व्हेन ही मेट अब्राहम लिंकन ट्रेवल्ड टू वॉशिंगटन DC, जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब ये उनसे मिले थे, इनका इन्होंने ट्रैवल किया था वॉशिंगटन DC का, और उस समय ये इनसे मिले थे, तो उन एक्सपीरियंस को इन्होंने अपने इस आर्टिकल में, इस ऐसे में लिखा है चीफली अबाउट वॉर मैटर्स। नेक्स्ट इनका जो वर्क है HW लॉन्ग फेलो रॉट, ये पॉइंट है हमारा नेक्स्ट, जो लॉन्ग फेलो इनके फ्रेंड थे उन्होंने एक ट्रिब्यूट के रूप में इनके लिए एक पोएम लिखी थी द बेल्स ऑफ लिन, द बेल्स ऑफ लिन किसने लिखी है, लॉन्ग फेलो ने लिखी है, किसको ट्रिब्यूट करके लिखी है, नथानियल हॉथोर्न को ट्रिब्यूट करके लिखी है, 1866 में लिखी है, ठीक है, द बेल ऑफ लिन। मैनी ऑफ हिज वर्क आर इंस्पायर्ड बाई प्यूरिटन न्यू इंग्लैंड, ये जो एक विचारधारा थी उससे ये इंस्पायर थे, इनके जो रचनाएं थी, हॉथॉर्न्स वर्क्स बिलोंग टू मोर स्पेशली डार्क रोमांटिसिज्म, डार्क रोमांटिसिज्म इनके वर्क की विशेषता रही है, बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल द स्कारलेट लेटर एंड द हाउस ऑफ सेवन गैबल्स, ये दो नॉवेल्स हैं इनके जिसकी वजह से ये ज़्यादा ही फेमस हुए हैं, जाने जाते हैं। ही इज सीन एज अ की फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर के डेवलपमेंट में इन्होंने की फिगर के रूप में वर्क किया। हैथॉर्न वॉज वन ऑफ द फर्स्ट अमेरिकन राइटर्स टू एक्सप्लोर द हिडन मोटिवेशन ऑफ हिज कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर के हिडन मोटिवेशन को ये एक्सप्लोर करते हैं, इस तरह के ये पहले ऐसे अमेरिकन राइटर्स हैं। ही वॉज अवार्डेड, ये इनको एक सम्मान उपाधि अवार्ड जो मिला है, जैसे कि इन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, हॉल ऑफ फेम फॉर ग्रेट अमेरिकन, हॉल ऑफ फेम जैसे क्रिकेटर्स का भी है, हम आए दिन पढ़ते रहते हैं हमारे इंडिया से सेलेक्ट हुए, वैसे ये हॉल ऑफ फेम फॉर ग्रेट अमेरिकन, उसमें इनको शामिल किया गया था सन 1900 में, ठीक है, 19 और 20 सेंचुरी के जो हमारे अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर के तहत जैसा कि हम इन्हें पढ़ रहे हैं, मूवमेंट और स्टाइल इनका क्या था, तो वह है अमेरिकन रेनेसा, अमेरिकन रेनेसा ये मूवमेंट से उस कनेक्ट थे, और क्या है अमेरिकन रेनेसा में देख लेते हैं, अमेरिकन रेनेसा ऑल्सो कॉल्ड न्यू इंग्लैंड रेनेसा, न्यू इंग्लैंड रेनेसा क्या कहते हैं, वो अमेरिकन रेनेसा को ही कहते हैं, पीरियड जो था फ्रॉम 1830, ये जो पीरियड है अमेरिकन रेनेसा का 1830 से शुरू होकर कब तक चला, अंटिल रफली अंटिल द एंड ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर तक चला ये, जो कि 1865 में ये ख़त्म हुआ था ये वॉर, तब तक ही इसका पीरियड माना जाता है अमेरिकन रेनेसा का, इन विच अमेरिकन लिटरेचर इन द वर्क ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट केम ऑफ एजेस एन एक्सप्रेशन ऑफ अ नेशनल स्पिरिट, बहुत ही अपने रोमांटिक मूवमेंट जो था अमेरिकन लिटरेचर जो उसमें वेकअप हुआ है रोमांटिक मूवमेंट का, वो अपने एक नेशनल स्पिरिट का जो एक्सप्रेशन है वो उसमें निकल कर आता है, रेनेसा ऐसे होते हैं पुनर्जागरण, तो आते हैं उसमें विचार सामने। तो ये और इनके जो वर्क हम एक दो देख लेते हैं, जैसे इनका द स्कारलेट लेटर है, पब्लिश है 1850 में, फुल टाइटल क्या है इसका, द स्कारलेट लेटर आर रोमांस वर्क ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन, ने इसकी थीम क्या है, लीगलिज्म सिन एंड गिल्ट, पाप गिल्ट है लीगलिज्म, ये सब जो है वैधता, ये सारे इस नॉवेल के इनके थीम रहे। DH लॉरेंस ने क्या कहा इस वर्क को, कि DH लॉरेंस कॉल्ड इट परफेक्ट वर्क ऑफ द अमेरिकन इमेजिनेशन, कैरेक्टर्स में हेस्टर रोजर शिलिंग आर्थर डॉटर रहती है उसकी पर्ल, बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल है फ्रेंड्स द स्कारलेट लेटर। उसके बाद आ जाते हैं द हाउस ऑफ द सेवन गेबल्स, ये पब्लिश हुआ है 1851 में, गॉथिक नॉवल है फ्रेंड्स, ठीक है, हॉरर नॉवल होते हैं गॉथिक नॉवल, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में जब हमने नॉवल पढ़ा है, फॉर्म्स ऑफ नॉवल पढ़े हैं हमने, तो वहाँ हमने ये गॉथिक नॉवल पढ़ा था, तो ये गॉथिक नॉवल जो डरावने नॉवल होते हैं वो कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें है हॉलग्रेव एलिस फेब हेब्जिबा, ये सारे हाउस ऑफ द सेवन गेबल्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। और ये जो नॉवल है द नॉवल फॉलोज अ न्यू इंग्लैंड फैमिली एंड देयर एंसेस्ट्रल होम, न्यू इंग्लैंड की एक फैमिली होती है, उनके पूर्वजों का घर होता है, वो सब इसमें इस तरह की कहानी इस नॉवल में दिखाई गई है। ये जो इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है ट्वाइस टोल्ड टेल्स, इसमें 2 वॉल्यूम्स हैं, फर्स्ट वॉल्यूम जो पब्लिश हुआ था 1837 में, जिसको हम इसका पब्लिशिंग ईयर इसी को ही मानते हैं,
और जो सेकंड वॉल्यूम इसका पब्लिश हुआ था 1842 में पब्लिश हुआ था, द टाइटल ट्वाइस टोल्ड टेल्स वॉज बेस्ड ऑन अ लाइन फ्रॉम शेक्सपियर्स द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ किंग जॉन। शेक्सपियर का जो प्ले है द लाइफ एंड द डेथ ऑफ अ किंग जॉन, किंग जॉन जो प्ले है शेक्सपियर का, उस तरह से एक लाइन है, वहाँ से ये टाइटल इंस्पायर है, लिया गया है, ट्वाइस टोल्ड टेल्स। फेमस फ्रेंड जो इनके रहे फ्रेंड्स, हरमन मेलविल, हेनरी जेम्स लॉन्गफेलो, जेम्स वेट्सवर्थ लॉन्गफेलो एंड फ्रैंकलिन पियर्स होरेशियो ब्रिज। तो ये जो हरमन मेलविल, ये भी फेमस ऑथर हैं अमेरिका के, और ये काफ़ी, इन्होंने काफ़ी प्रेरणा ली नथानियल हॉथॉर्न से। हॉथॉर्न्स आइडिया इन्फ्लुएंस्ड हरमन मेलविल ऑथर। ये जो हरमन मेलविल ऑथर हैं, इन्होंने ये हॉथॉर्न्स के आइडिया से काफ़ी प्रभावित थे, और इन्होंने अपने, इनके आइडियाज़ अपने लिटरेचर में भी इन्होंने यूज़ किए। मेलविल डेडिकेटेड मॉबी डिक टू हॉथॉर्न, इनका जो वर्क है मॉबी डिक मेलविल का, वो इन्होंने हॉथॉर्न को डेडिकेट करके लिखा है। लेट मैन ट्रेम्बल टू विन द हैंड ऑफ वुमेन अनलेस दे विन अलॉन्ग विथ इट द अटमोस्ट पैशन ऑफ हर हार्ट। ये लाइन है द स्कारलेट की, बहुत ही फेमस लाइन है, लेट मैन ट्रेम्बल टू विन। तो हमें याद रखना है ये। हम नथानियल हॉथॉर्न पढ़ रहे हैं फ्रेंड, तो स्कारलेट के जितने ज़्यादा पॉइंट आप पढ़ोगे, उतने ज़्यादा आपको नथानियल हॉथॉर्न की जो बायोग्राफी कंप्लीट होती पाएगी। वैसे तो इनकी बायोग्राफी से लाइफ के पॉइंट हम पढ़ ही रहे हैं, पर स्कारलेट यदि आप अलग से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए और भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे नथानियल हॉथॉर्न। इन 1864 जब इनकी मृत्यु हुई है, डेड इन स्लीप, सोते ही रह गए थे ये, स्लीप में इनकी मृत्यु हुई थी। ही वॉज बिरूड इन स्लीपी होलो सिमेट्री एट कॉनकॉर्ड, यहाँ इनको बिरूड किया था, इनका अंतिम संस्कार हुआ था। और जो इमर्सन, जो इनके बहुत ही फेमस इंग्लिश के राइटर हैं और इनके जो नेबर भी रहे, ये इमर्सन एंड लॉन्ग फेलो इनके फ्रेंड हैं, जो वर अमंग हिज पाल बियरर्स, वो थे इनके पाल बियरर्स, यानी कि इनके अर्थी को कंधा देने वाले, इनकी मृत्यु के समय उपस्थित थे ये लोग वहाँ। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स हमारे बन गए आज नथानियल हॉथॉर्न्स के बारे में, इनका वर्क नथानियल हॉथॉर्न्स का, द हाउस ऑफ द सेवन गेबल्स एंड द स्कारलेट लेटर। ये दो इम्पॉर्टेंट वर्क हैं, आप इसके समरी और इसके कुछ इंपॉर्टेंट दो से तीन करेक्टर अच्छे से समझते हैं तो आपका नथानियल हॉथॉर्न्स की बायोग्राफी और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में इतने ही पॉइंट्स, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब करते हुए, लाइक्स करते हुए फ्रेंड्स आगे बढ़ें और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करके बताएं आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको क्या और पढ़ना है सिलेबस की तैयारी। मैं तो अपना बेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी, सारे के सारे चल ही रहे हैं। अब हमारे जैसे कि हॉथॉर्न आज हो गए हैं, एमिली डिकिंसन हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इसके बाद। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।